ऋतुराज गायकवाड़ और सन किशन ने बचाई है उम्मीद। साउथ अफ्रीका को टीम इंडिया ने दी है 48 रन से मात। ऋतुराज गायकवाड़ और सन किशन की बेहतरीन पारी के दम पर भारत ने साउथ अफ्रीका को तीसरे टी20 मैच में हराकर सीरीज में अपनी उम्मीद को बचा लिया है। वही भारत ने 48 रन से तीसरा मैच जीतकर 5 मैचों की सीरीज में 2-1 कर दिया है। वही पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मेहमान टीम को 180 रन का लक्ष्य दिया था, जवाब में साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 131 रन ही बना सकी। यही नहीं, ऋषभ पंत इस साल रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में भारत में पहली बार यहाँ पर दिलाने के लिए कप्तान यहाँ पर बनाए गए हैं। वही भारत ने इस साल अभी यहाँ पर कुल 19 मैच खेले हैं, जिनमें भारत ने रोहित की कप्तानी में सभी 11 मैच जीते थे। वही उनकी गैर मौजूदगी में विराट कोहली और केएल राहुल को भारत यहाँ पर जो केएल राहुल है वो यहाँ पर भारत को जीत नहीं दिला पाए थे। वही इससे पहले टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित ओवरों में 5 विकेट पर 189 रन पर बनाए थे। वह गायकवाड़ और सन किशन ने 57 रन की लाजवाब यहाँ पर साझेदारी करके भारत को मजबूत सिला जो यहाँ पर शुरुआत है बुधराई थी। वही गायकवाड़ ने अपने करियर का पहला इंटरनेशनल अर्धशतक जड़ा, उन्होंने 35 गेंदों में 57 रन और सन किशन ने 35 गेंदों में 54 रन बनाए। वही तीसरे मैच में एक बार फिर यहाँ पर श्रेयस अय्यर और कप्तान ऋषभ पंत जो है वो यहाँ पर फ्लॉप रहे। वही अय्यर ने 14 और पंत ने सिर्फ 6 रन बनाए। वही सलामी जोड़ी के पवन लौटने के बाद एक समय भारतीय पारी जो है वो लड़खड़ा गई। ऐसे में हार्दिक पांड्या ने एक छोर पर यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करी, एक छोर को यहाँ पर संभाले रखा और 30 रन की नाबाद पारी खेली। और लंबे इंतजार के बाद टीम में वापसी करने वाले दिनेश कार्तिक भी इस मैच में कुछ नहीं कर पाए और वो 6 रन ही बना पाए। वही लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की शुरुआत इस मैच में कुछ खास नहीं रही। भारतीय गेंदबाजों ने पिछले 2 मैचों में अपनी गलती को यहां पर सुधार किया और साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को क्रीज पर जमने का कोई मौका ही नहीं दिया। वही युजवेंद्र चहल ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 18 रन देकर 3 विकेट लिए। वही भारतीय गेंदबाजों ने तीसरे टी20 में मेहमान टीम को यहाँ पर बांध कर रखा। वही हेनरो कार्सन ने यहाँ पर भारतीय अटैक को कुछ देर तक सामना किया और जो कार्सन है वो अब साउथ अफ्रीका का सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, उन्होंने 29 रन बनाए। वही मेहमान कप्तान सिर्फ 8 रन पर यहाँ पर पैवेलियन लौट गए। इस मैच में यहाँ पर हर्षल पटेल ने भी यहाँ पर इस मैच में अच्छी गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट यहाँ पर झटके। भुवनेश्वर कुमार को 1 सफलता इस मैच में मिली है। वही 3 सफलताएं युजवेंद्र चहल को मिली है, 1 अक्षर पटेल को 1 सफलता मिली है, खिलाड़ी रन आउट भी हुआ था।